थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल लैटिस थ्योरम बताया था, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दूसरा है वो बताना है, ठीक है? नहीं ठीक है, यस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ नहीं बताया था शायद। नहीं सर, प्रूफ दोनों का देखते हैं पहले, चेक करके। तो नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर वो पैरेलल थ्योरम का प्रूफ बताने वाले थे, आपने बोला था अगले लेक्चर में कर दूंगा। हाँ वही बोला था मैं, तो वही कह रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही बताता हूँ, फिर दोनों का प्रूफ एक साथ बता देता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी में सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, किसी भी शेप साइज का रिजिड बॉडी हो, और ये रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, दो तीन चीज ध्यान देखो, इसको यूज करने के लिए, यूज करने में एक चीज याद रखो, पहला कि तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जेड एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास ही हो, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज ऑल थ्री परपेंडिकुलर एक्सेस मस्ट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है? दूसरा, तो देखो एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों का सम है ना, तो बाकी दोनों का सम है, तो ऐसा नहीं है कि आई एक्स और आई जेड को सम कर देंगे तो आई वाई होगा, या आई जेड और आई वाई को सम कर देंगे तो आई एक्स होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इस पर्टिकुलर केस में, तो
ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ठीक है। Yes, तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर इसका प्रूफ और इसका एग्जांपल दोनों लिख। लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हो जाए तो बताना।
लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। अब एक बार ध्यान से प्रूफ देख लेते, दोनों का प्रूफ बताता हूँ और पिछले वाले का भी और इसका भी। सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, और वही मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा ये जो मैं बोला उसका मतलब समझ आया तुम लोगों को? सब इधर देखो मेरी तरफ। सपोज ये मोबाइल फोन है, दिख रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस मतलब ऐसा रोटेशन हो रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, समझ आया? तो ये एक्स वाई प्लेन में, और जेड एक्सिस मतलब ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो ये जेड एक्सिस है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों आई मीन एक्स वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है और ऑब्जेक्ट के प्लेन से भी परपेंडिकुलर है, समझ आया? तो ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है। मान लो कोई एक पॉइंट मास मैंने ले लिया डी एम, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका मतलब है ये वाला ब्लू वाला डिस्टेंस कितना होगा और ये ब्लू वाला डिस्टेंस कितना होगा, बताओ? वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होगा। हाँ सर, और वो वाई होगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई होगा और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? जेड। बट हाँ मतलब चलो जेड होगा, ठीक है। लेकिन इस जेड को मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर। जेड को आर बोल दो। चलो आया समझ में? जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल देता हूँ, तो आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आया ना? यस सर। सब ध्यान से देखेगा। अब जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स लिखूंगा तो ये क्या होगा? समेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा होगा? बोलिए। बोलिए सोच के, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। सर ये डीएम वो पॉइंट मास के लिए और वाई स्क्वायर उसके कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब ऐसे ऐसे जितने भी आई मीन जो डीएम पॉइंट मास है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई है ना? हाँ सर। तो डीएम इनटू वाई स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। यस सर। और ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट मास है इसके लिए समेशन हुआ। हाँ सर। I y अगर लिखूंगा मैं तो ये होगा समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ सर। और जो I z होगा ये समेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। यस सर। अच्छा
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा होगा समेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। यस सर, यहाँ से दिख रहा है आई जेड इज इक्वल टू आई प्लस आई वाई। यस सर, आया समझ में? यस सर, कॉपी कर लीजिए। सर वहां पे आर है ना जेड के बदले? हाँ, जेड की जगह आर है। आगे बढ़ू? दो मिनट सर। ठीक है ठीक है, हो जाए तो बताना।
हो गया। हो गया। हाँ सर, यस सर। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दोनों को अगर यूज करना आ गया तो आपका काम चलेगा। तो धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे और कुछ आगे भी देखते चलते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड हम लोगों ने देखा था, अबाउट मिड पॉइंट एक्सिस, अबाउट साइड पॉइंट एक्सिस और साइड में किसी भी एंगल पर हो, ये तीन फॉर्मूला बताया था मैंने। ML² / 3, ML² / 12, ML² / 3, sin² θ, याद है? हाँ सर, ना? तो अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सारे थ्योरम का एप्लीकेशन है। जैसे सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं, रुको पहले वही बताता हूँ, सबका प्रूफ है। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो थ्योरम तो पहले बता चुका हूँ, अभी सिर्फ उसका प्रूफ बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, आप लोगों में मेडिकल वाले बच्चे भी हो? हाँ सर, यस, ये तो कॉमन है। कॉमन है ना? ठीक है, तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए मैं पहले कहता हूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, सारे सेफ साइड के, तो आपको उतना बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला और ये दोनों थ्योरम सिर्फ इतना याद रखना है, इतने से आपका काम चलेगा, ठीक है? बाकी प्रूफ वगैरह देखते रहो, समझ आता है ठीक है, नहीं भी आता है तो भी ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो एनीवे, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, और ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ICOM, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I शुड बी इक्वल टू ICOM प्लस MR², यही मुझे प्रूव करना है। हाँ सर, तो देखिए, सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट मास ले लिया DM, DM का अगर सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से डिस्टेंस ये आर है, एक्स है मान लो, एक्स लिख देता हूं, तो आई वाले एक्सिस से डिस्टेंस एक्स प्लस आर होगा। हाँ सर,
या एक माइनस आर होगा, एक्स प्लस आर होगा सर। नहीं नहीं, अगर ये डीएम, डीएम तो मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूँ ना, मान लो ये रहा डीएम, तो इधर एक्स प्लस आर और एक्स माइनस आर होगा। हाँ सर, है ना। तो मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को लिख सकता हूँ समेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो बेटा सर। स्क्वायर हमारे स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। हाँ सर, समझा समझा, बराबर। ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, तो ये मेरा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, फिर या तो प्लस या माइनस समेशन ऑफ टू इंटू डीएम इंटू एक्स इंटू आर, ऐसा होगा। यस सर। अब समेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, तो x मैंने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से लिया है, तो ये तो हो गया मेरा ICOM, हो गया। सर ये क्या बोला आपने? डायग्राम में देखो, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से डिस्टेंस x है। हाँ सर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। हाँ सर, समझा। अच्छा, तो ये लिख दिया मैंने ICOM प्लस आर, तो कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया आर स्क्वायर समेशन ऑफ डी एम। यस सर। आर कांस्टेंट है तो टू बाहर आर बाहर, ये हो गया समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स, हो गया। यस सर। अब ये हो गया ICOM प्लस एम आर स्क्वायर। अब इस टर्म को देखो, अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप याद करने जाएंगे तो XCOM होता था समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ डी एम, ऐसा होता था ना? यस सर, है ना। तो यहां से देखोगे तो ये जो समेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स है, ये क्या हो जाएगा? एक्स सीओएम मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ डीएम, ऐसा होगा ना? हाँ सर। और ये डिस्टेंस तो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से ही है, तो ये समेशन का टर्म जीरो आ जाएगा। फिर से समझो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लूं, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर एक्स है, तो समेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स हमेशा जीरो आएगा। यस सर। तो समेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स अपॉन डीएम एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा। और अगर हम सारा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही ले रहे हैं, तब तो उसको जीरो आना चाहिए। हाँ सर। तो ये टर्म जीरो हो गया। तो यहां से आपको मिल गया आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ हो गया।
आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए लॉजिक के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इन दोनों का एप्लीकेशन देखते हैं यार। हुआ, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ एक मिनट सर।
हुआ सर। हाँ बोलो। सर वो आर स्क्वायर के साथ समेशन डीएम था, उसको आपने मतलब एम ले लिया फिर। हाँ हाँ तो आर तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो सर। आर बाहर आ गया आर स्क्वायर, तो समेशन डीएम एम ही होगा ना। हाँ सर। और सर ये 2R वाला आप एक और बार बताओगे, आपने कैसे बोला था? आर कांस्टेंट है तो आर बाहर, टू कांस्टेंट है तो टू बाहर। अब हो गया समेशन डीएम इनटू एक्स, हाँ सर। तो समेशन डीएम इनटू एक्स यहाँ पर देखो ब्लू वाले लाइन में, यहाँ पर समेशन डीएम इनटू एक्स क्या होगा, एक्स सी ओ एम समेशन डीएम। हाँ सर। तो एक्स सी ओ एम से ही सारे डिस्टेंस एक्स लिए गए हैं, हाँ सर। तो इसका मतलब है ये जो एक्स हमने लिया है उसका रेफरेंस एक्स सी ओ एम ही है। यस सर। तो एक्स सी ओ एम 0 है, यस सर। मतलब समेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स 0 है। यस सर। समझा। आगे बढ़ो, हाँ सर। हाँ सर। अब आज हमारा पर्पस है इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि तो ये अप्लाई करने अगर आ गया दोनों ऐसे थ्योरम, प्रूफ नहीं भी याद है चलेगा, बट एक बार ये ऐसे थ्योरम अप्लाई करने आ गया पैरेलल और परपेंडिकुलर तो आपका काम चलेगा। जैसे धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन देता हूँ, एक बार दूंगा तो आप डर जाएंगे। ये तीनों रॉड है जिसका लेंथ एल है और तीनों आइडेंटिकल है, मतलब सबका मास एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है। ये तीनों मिलाकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है ए बी सी, तो यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे ए बी सी डी लिखना है, तो क्वेश्चन ए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम सिस्टम मतलब यहां पर तो ट्रायंगल है ना, अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, मतलब ए बी के लॉन्ग, बी सी के लॉन्ग, ए सी के लॉन्ग, किसी एक के लॉन्ग। कोशिश करो जल्दी।
आया किसी को? बोलो बेटा, आया किसी को? सर दोनों साइड्स का इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड करना है। हाँ फिर सर फर्स्ट का ML² / 2 है। दिया। सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, किसी एक साइड के बाद निकालना है ना? बोलो। यस सर। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किसका किसका निकालना है? ए बी का निकालना है, ए बी रॉड का, बी सी रॉड का और ए सी रॉड का। ए बी रॉड का तो 0 होगा ना बेटा, क्योंकि तो रॉड का सारा पॉइंट उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। यस सर। बी सी और ए सी के लिए याद करो, एक्सिस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा क्या था? देखना पिछले लेक्चर में डिराइव किया होगा, sin²θ। ML²/3 sin²θ था, तो दोनों का ऐड हो गया, डबल हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। दोनों का ऐड होके डबल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ ML²/3 sin²60, तो sin60√3/2, यस सर। तो ये मेरा हो गया ट्वाइस ऑफ ML²/3 × 3/4। फोर किसी ने बोला था ML²/2 ना? सही आंसर है। सो आंसर इज ML²/2। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ो। सर एक मिनट मिनिमाइज करो ना वो क्वेश्चन का। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कोई भी एक पॉइंट ले लो ए एंड पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ आया? क्या एक्सिस है, क्या पॉइंट है? बोलो, क्वेश्चन समझ आया? कौन सा एक्सिस मैं पूछ रहा हूँ? हाँ सर, यस सर, मतलब यस सर, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो पॉइंट ए से पास करता है और बी सी के पैरेलल भी है। सर बोलिए। सर डिस्टेंस कुछ देके रखा है? अरे साइड लेंथ एल मालूम है ना, वही क्वेश्चन है, सेम। ओके सर, सेम क्वेश्चन, उसी का पार्ट भी है ना बेटा। अच्छा ओके सर, सबका लेंथ एल है और सबका मास एम है। वो जो क्वेश्चन शुरू में दिया था ये उसी के पार्ट है, वही डेटा है सब में।
आया कुछ आंसर? 5 ml² / 4। सर आंसर मिला 5 ml² / 4। देखते हैं। यहां तक समझ आया? यस सर। ए बी और ए सी ध्यान से देखोगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। हाँ सर। 60 डिग्री होगा। यस सर। तो ए बी और ए सी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना? AB को मैं लिख दूंगा ml² / 3 sin² 60 degree। BC को मैं लिख दूंगा, देखते हैं क्या। और AC को फिर लिख देता हूं ml² / 3 sin² 60 degree। यहां तक ठीक है? हाँ सर। ए बी और बी सी में कोई, ए बी और ए सी में। अब बी सी देखो, बी सी का खुद के लाइन के अबाउट तो जीरो होगा, प्लस इसके खुद के लाइन के अबाउट और ये जो एक्सिस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो जीरो प्लस एम आर स्क्वायर होगा। हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ml² / 3 sin² 60 degree प्लस एम, ये लेंथ L है, ये 60 डिग्री है, तो R की वैल्यू L साइन 60 के बराबर होगा। क्या बोले सर? तो ट्वाइस ऑफ ml² / 3 sin² 60 √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4 प्लस ml² ये भी होगा 3/4। तो 3 + 2 5/4 ml² यही बोला था किसी ने आंसर? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ो। लिख लिया सबने? यस सर। थर्ड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, प्रैक्टिस करना, मैं मेरा पर्पस है और कुछ नहीं। अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स of A, B and AC and parallel to BC. समझ आया? कौन सा एक्सिस पूछ रहा हूं ये बात समझ आई? बोलो या मैं ही डायग्राम बना के बता दूं? समझ गया, एक सेंटर ऑफ मास से और एक बीसी से। मैं बताता हूं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वैसे ये आपके हिंट के लिए, क्वेश्चन में सीधे लैंग्वेज में लिखा रह सकता है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन जो पहले था वही है। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। कोशिश कीजिए।
बोलो आया आंसर? हाँ सर। क्या आया बता बेटा? 7 ml² / 16 आ रहा है। देखते हैं मैं तुम्हें नहीं दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ml² / 12 sin²60°। बोलिए। सर 12 कैसे? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के बाद क्या होता है, फॉर्मूला देखो। यस सर। है ना पक्का? सर m/2 भी लेंगे ना? सॉरी m/2। हाँ सर मिड पॉइंट पे है ना, तो m/2 तो ml² / 24। m/2 कहाँ? बट सर इधर देखो लास्ट क्लास का। यस सर समझा, वो डेरिवेशन करते वक्त ही m/2 अपने आप हो गया था ना। देखो ये मिड पॉइंट इसे सेकंड मेथड में किया था, मिड पॉइंट के अबाउट ml² / 12 आया था। हाँ सर। हाँ सर। बोलिए। यस सर। और ये थीटा है तो sin²60 ऐसा होगा। आया समझ में? तो ये हो गया ml² / 16, ये AB का हो गया। इतना ही सिमिलरली AC का भी होगा। बोलो हाँ या ना? बोलोगे? AC का भी ml² / 16 होगा। हाँ सर। यस सर। BC का क्या होगा? तो BC का अपने खुद के अबाउट 0। यस सर। जैसा पिछली बार किया था। और इस एक्सिस के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ सर। तो 0 + mr² ऐसा लिखेंगे, दैट इज 0 + m, और ये r कितना होगा? ये 60° है, ये l/2 हो गया, तो r हो गया l/2 sin 60। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये हो गया ml² / 4 और sin 60√3/2, तो 3/4, तो ये हो गया 3 ml² / 16। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब का सम हो जाएगा? यस सर 5 ml² / 16। हाँ सर 5 ml। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मेरा 5 ml² / 16। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ो, लिखना बाकी है सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर, बोलो बोलो, मैं देख करता हूँ। एक और करो, प्रैक्टिस कराना है आपका मुझे, पैरेलल परपेंडिकुलर है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through centroid of triangle and perpendicular to it। समझ आया है एक्सिस? एक्सिस समझ आया सबको? यस सर। यस सर। तो ट्रायंगल का जो भी सेंटर है, मान लो अगर ये है, तो इससे पास करता है और एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब तो दिखा पाना डायग्राम में। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? कोशिश
बोलो आया आंसर किसी को? आया कुछ आंसर? सर ML स्क्वायर बाय 4। ये अगर सेंट्रोइड है तो इस सेंट्रोइड से हर साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये तीनों लेंथ इक्वल मिलेगा, होगा। और ये इसको मिड पॉइंट पे भी डिवाइड करेगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 times और इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MR स्क्वायर। ये अगर R मिल गया तो हमारा काम चलेगा। ये एक्सप्रेशन समझ आया या नहीं? सर कैसे? देखो कोई एक रॉड ले लो, मान लो मैंने रॉड BC लिया, ABAC को छोड़ दो, तो BC का वो एक्सिस जो यहां से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा वो ML स्क्वायर बाय 12 होगा। हाँ सर। तो सेंट्रोइड से जो पास करेगा वो ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MR स्क्वायर होगा, और सब कुछ आइडेंटिकल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यही कहानी तीनों रॉड के साथ रिपीट होगी। बोलो हाँ या ना? सर वो ML स्क्वायर बाय 12 मिड पॉइंट था इसीलिए। हाँ ये मिड पॉइंट है, तो किसी भी रॉड का मिड पॉइंट से जो एक्सिस पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML स्क्वायर बाय 12 होता है। हाँ सर। और ये वाला एक्सिस मिड पॉइंट से जो पास कर रहा है उस एक्सिस के पैरेलल r डिस्टेंस पर है, तो इसके अबाउट ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MR स्क्वायर होगा। हाँ सर समझा। और यही तीनों में कहानी रिपीट होगी। ओके सर, इसीलिए 3 into। और ये R कितना होगा, तो इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये सेंट्रोइड है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना? हाँ सर। साइन 30 degree इज पी बाई एक्स, पी नहीं, साइन 30 नहीं, टैन 30 होगा, मुझे R चाहिए ना, तो टैन 30 degree R बाय 2R बाय R upon L by 2। हाँ सर 2R by L। तो R की वैल्यू हो जाएगी L by 2 tan 30 degree। tan 30 कितना होता है? 1 by root 3। तो ये हो गया L upon 2 root 3। तो ये मेरा हो गया 3 times ML square by 12 plus M into L upon 2 root 3 का होल स्क्वायर होगा ऐसा। तो 3 times ML square by 12 प्लस ML square by 12 प्लस ML square by 12, तो ये ML square by 2 आएगा। हाँ सर। तो ML स्क्वायर बाय 2 ये हमारा आंसर होगा। कुछ समझ आ रहा है ये एक्सिस ऑफ थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन? जल्दी लिख लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। रॉड का सीखे थे हम लोग, वैसे ही हर ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जो जो हम लोगों के सिलेबस में है वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट, तो ऐसे समझिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये इसका लेंथ ए है, और इसका वेट बी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, ये मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है ऐसा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लीजिए। थोड़ी देर के लिए किसी के अबाउट निकाल सकते हैं, बट फंडामेंटली कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा तब। तो हमारा मास इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अगर मैं इसमें लिखूं मास पर यूनिट एरिया, तो ये एम अपॉन ए बी होगा, मास पर यूनिट एरिया ऐसा होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहां से एक डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस लेते हैं, अगर यहां से एक डिस्टेंस पर मैं dx थिकनेस लेता हूं तो ये एक रॉड बन जाएगा। यस सर। और रॉड का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इस रॉड का मास जो भी मिल जाए dm इंटू एल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 12 ऐसा होगा। अगर इस रेड वाले स्ट्रिप का मास dm है तब बोलो बेटा। सर नहीं समझा। नहीं समझा। मैंने कहा यहां से x डिस्टेंस पर मैंने dx थिकनेस लिया तो ये एक रॉड बन गया। हाँ सर। अच्छा, और ये जो ब्लू वाला एक्सिस दिख रहा है ये रॉड के मिड पॉइंट से हो गया। यस सर। तो रॉड के मिड पॉइंट वाले एक्सिस का फॉर्मूला ml² / 12 है। हाँ सर।
तो अगर इस रेड वाले स्ट्रिप का मास dm है तो इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm, समझ गया सर, 12 होगा। हाँ सर। और dm क्या होगा, तो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेड वाले स्ट्रिप का एरिया। होगा यस सर, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर बाई 12 इंटू डी ए। क्या होगा, ये जो रेड वाला स्ट्रिप है इसका लेंथ हो गया a और इसका विड्थ हो गया dx, तो ये एरिया हो गया a इंटू dx। बोलिए। यस सर। ये ए और ये ए कैंसिल हुआ। हाँ सर। तो ये हो गया एम ए स्क्वायर अपॉन 12 बी डी एक्स। इसको अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो से बी तक इंटीग्रेट कर दो तो हमारा काम चलेगा। तो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 12 बी इंटीग्रल डी एक्स जीरो टू बी। होगा, तो फाइनली देखोगे ये भी एम ए स्क्वायर बाई 12 आ गया। आया समझ में सर? ये लास्ट स्टेप में क्या किया, इंटीग्रेट किया जीरो से बी तक। तो वैसे भी देखो ये प्लेट का थिकनेस छोटा कर दो तो रॉड ही है ना, फॉर्मूला क्यों चेंज होगा, सेम ज्योमेट्रिकल शेप है, केवल डायग्राम ही तो बड़ा हुआ है। तो जैसे छोटा ट्रायंगल हो बड़ा ट्रायंगल हो एरिया का फॉर्मूला किसी भी चीज का वही होता है, वैसे ही तो ये ओरली भी बता सकते थे कि इसका ये एम ए स्क्वायर बाय 12 ही होगा। यस सर। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर और इसमें वेरिएशन बताता हूँ। Thank you.
लिख लिया। एक मिनट सर। आगे बढ़ो। यस सर। अब जरा कॉमन सेंस दिमाग दौड़ाओ। सपोज जो मुझे सिखाना है वो ये, वो तो डेरिवेशन था। ये एक प्लेट है जिस प्लेट का साइड लेंथ ए है, इसका वेट बी है। जो अभी किया वही डायग्राम बना रहा हूँ नया कुछ नहीं। तो ये ए है, ये बी है, और ये आपका प्लेट है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी कैलकुलेट किया था, ये मिला था एम ए स्क्वायर बाई 12। हाँ सर, है ना। बोलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। यही वाला अभी कैलकुलेट किया है ऊपर ना, एम ए स्क्वायर। यस सर। यस सर। ये वाला बताओ कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाई 12। एम बी स्क्वायर बाई 12। वाह, वेरी गुड। ये एम बी स्क्वायर बाई 12। एक मिनट रुक जाओ, कहीं तुम लोग गलत ना समझ बैठे, इसलिए इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डायगोनल नहीं है, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये इस पर परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस जैसा। यस सर, जेड एक्सिस है मालूम। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m into a square plus b square by 12। m a square by 12 plus m b square by 12 होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। यस सर, होगा। यस सर। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब क्या होगा, अब रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर दे दिया तो a इक्वल टू b पुट कर दीजिए, कुछ भी पूछे सॉल्व हो सकता है। तो ये जो अभी मैंने लास्ट में समरी बताया है ये इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन एक बार भूल भी जाओ चलेगा, बट ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, जल्दी से कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए निकलते जाइए। आज के लिए इतना सर, है ही 12 जन।